और स्टार्टिंग में आपको बता दूं कि जो यूनिट वन के ऊपर मैंने पहले वीडियो अपलोड अपलोड कर दिया है ब्रिटिश लिटरेचर पार्ट टू में यूनिट वन है जो उसके ऊपर वीडियो अपलोड कर दिया है, वो आप देख सकते हो ये हमारा सेकेंड यूनिट का वीडियो है वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे आप लाइक करना और अपना कमेंट जरूर मुझे लिख के बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा स्टार्ट करते हैं तो लिरिकल बैलेड्स क्या है ये जो अभी मैंने ऊपर उप, आपको बताया ऐसे प्रीफेस फेस टू लिरिकल बैलेड्स है ना ये प्रीफेस है ये अलग से प्रीफेस है इससे पहले एक बुक थी जिसका नाम था लिरिकल बैलेट्स ये बुक पोइट्री कलेक्शन थी यानी कि अलग अलग पोइट्रीज को कलेक्ट करके इस बुक में कंपाइल किया गया था तो बुक का नाम था लिरिकल उसमें कुछ पोइट्रीज थी और ये जो बुक है लिरिकल बैलेट जिसे किसने लिखा था सैमुअल टेलर कॉलरेज और विलियम वर्ड्सवर्थ इन दोनों ने मिलकर इसे लिखा था ओके okay. और ये जो बाद में ऐसे लिखा गया इसका नाम था टू लिरिकल बैलेट ये ऐसे इसीलिए लिखा गया था ताकि ये जो हमने बुक लिखी है लिरिकल बैलेड्स उसमें जितनी भी पोइट्री है जितनी भी पोएम्स हैं उनके बारे में हम बता सके अभी ठीक है पहले बुक लिखी लिरिकल बैलेट्स उसमें पोइट्रीज थी पोएम्स थी बाद में एक ऐसे लिखा प्रीफेस टू लिरिकल इस ऐसे का पर्पस यही था कि अभी हम लोगों को बताएं कि जो हमने पहले पोइट्री लिखी है लिखी लिखी है है वो किस तरीके से लिखी है? उस पोइम का पर्पस क्या था उस पोइम को लिखने के लिए मेथड क्या यूज किया गया ये सारी चीजें तो ये प्रीफेस क्या है इज एन इंट्रोडक्शन टू डेट बुक उस बुक के लिए इंट्रोडक्शन है मैनुअल की तरह भी है कि वो बुक किस तरीके से लिखी गई और इस बुक को ये जो प्रीफेस है कंसीडर्स एज मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक पीरियड ठीक है आप कह सकते हैं कि ये पीरियड यहाँ से स्टार्ट होता है या फिर आप ये कह लो मैनिफेस्टो का मतलब होता है घोषणा पत्र कि ये जो बुक है लिरिकल uh, इसमें जो पोइट्री लिखी गई उसे हम किस एरा के साथ जोड़ेंगे किस मूवमेंट के साथ जोड़ेंगे तो रोमांटिसिज्म के साथ ठीक है रोमांटिसिज्म के साथ इसे हम जोड़ेंगे और रोमांटिसिज्म में जो पोइट लिखी गई यानी कि रोमांटिक पीरियड में जो पोइट लिखा गया ड्रामा लिखा गया पोइम की बात करते हैं पोइट्री लिखी गई तो रोमांटिक एरा में जो पोइट्री लिखी गई उसका मेथड क्या था उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी उसकी फीचर्स क्या होंगी रोमांटिसिज्म की जो पोइट्री होगी वो कैसी होगी है ना ये सारी चीजें प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट में लिखी गई इसीलिए इसे कहा गया क्योंकि इसे गया क्योंकि इसमें बताया कि रोमांटिक पीरियड अब से मान लो शुरू होता है और रोमांटिक पीरियड में हमने जो पोइट्री लिखी वो रोमांटिक पीरियड की पोइट्री है इस पोइट्री में क्या खास चीजें हैं इस पोइट्री को लिखने का क्या खास मेथड है क्योंकि हम इसे कह रहे हैं ना रोमांटिक पीरियड की है तो क्या इसमें अलग है वो इसमें लिरिकल बैलेट so, में बहुत सारी पोइट्री थी ओनली फोर पोएम्स इन लिरिकल आर रिटन बाय कॉलरेज ठीक है चार पोएम लिखी कॉलरेज ने और बाकी की सारी लिखी वर्ड्स ने मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा अभी इस प्रीफेस के बारे में अपनी लैंग्वेज में भी बुकिश लैंग्वेज में भी और नोट्स के थ्रू भी तो आपने सारी चीजों को अभी अच्छे से आराम से सुनना है और लिखते चले जाना है ओके लिखते चले जाना है अच्छा वैसे मैं आपको ये दोबारा याद दिला रहा हूँ लेकिन आ, मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ क्योंकि जिस तरीके से आप कमेंट्स लिखते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप अपना प्यार सपोर्ट शेयर करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है थैंक यू बच्चों ये सब करने के लिए और आ, अगर आपको ये भी अच्छा लगे तो इस वीडियो में मुझे बताना आपको कैसी लगी ठीक है आप कह लो कि जो एक यूट्यूब के ऊपर वीडियोज अपलोड करता है या लेक्चर डिलीवर करता है उसको इस चीज की जरूरत होती है कि नहीं कि आप अपना शेयर करें कमेंट्स उसके साथ तो कॉलरेज कॉलरेज क्या कहते थे वॉन्टेड टू राइट अ प्रीफेस सो डेट ही कुड क्लैरिफाई हिज पोइट्रिक स्टाइल एंड एलिमिनेट मेनी क्रिटिसिज्म्स डेट वर कमिंग टू लाइट अबाउट देयर न्यू राइटिंग अभी बात सुनिए कॉलरेज और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों ने ये लिखी बुक अभी देखो ये नहीं कह रही है कि ये रोमांटिक पीरियड है ये मतलब अपने मुंह से खुद से नहीं ऐसी चीजें कह रहे हैं कि हम नया पीरियड शुरू कर रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं है कह रहे वो बाद में आप आप, आप कह लीजिए हमने अप, अपनी कन्वीनियंस के लिए नाम दिए हैं अलग अलग पीरियड्स को लेकिन एक चीज थी कि कॉलरेज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो ये पोइट्री लिखी थी ये बिल्कुल नए तरीके की पोइट्री थी ठीक है उस टाइम पे जो पीरियड चल रहा था उसे लेट क्लासिज्म कहते हैं लेट क्लासिज्म उस पीरियड में ऐसी पोइट्री नहीं लिखी जाती थी इन्होंने जो पोइट्री लिखी थी बिल्कुल अलग थी ये बिल्कुल अलग थी उस टाइम से पहले ऐसी कोई पोइट्री लिखता ही नहीं था तो इसीलिए इन्होंने कहा कि एक प्रीफेस प्रीफेस लिखते हैं देखो तो किसने लिखा विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है ना लेकिन वर्ड्सवर्थ से भी पहले कॉलरेज कहते थे कि यार एक ना प्रीफेस लिखना चाहिए और वो कहते थे कि मैं एक प्रीफेस लिखता हूँ कॉलरेज कहते हैं उसमें मैं बताता हूँ लोगों को कि मतलब जो ये नए तरीके की पोइट्री है ना ये नए तरीके का लिखने का स्टाइल है लोग सोच रहे थे कि इन्होंने कुछ गलत लिख दिया या इन्हें लिखना नहीं आता इसलिए इन्होंने ऐसा लिख दिया ये कह रहे नहीं एक नया स्टाइल है ये लोगों को बताना चाहते थे ही वांटेड द पब्लिक टू नो लोगों को चाहते थे ये जाने दैट ही हिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट्री वाज मोर रियल एंड देयरफॉर वुड बी मोर एवरलास्टिंग ये चाहते थे लोगों को बताना कि आप तो कह रहे हो ना कि ये नए तरीके की पोइट्री आ गई कैसी पोइट्री आ गई आज के टाइम पे भी तो ऐसा होता है ना कि कोई नए तरीके की मूवी आ गई या मूवी को बनाने का कोई नया तरीका यूज कर लिया या नए तरीके का कोई सॉन्ग आ गया तो अब कहते हो तो यार ये पुराने से मैच नहीं करता ये नए हैं चार दिन टिकेंगे ऐसे मतलब ऐसी बातें इनकी पोइट्री के बारे में हो रही थी लेकिन ये ये प्रीफेस में लिखना चाहते थे कॉलरेज कि जो ये पोइट्री है ना जो अभी हम लिख रहे हैं ये रियल पोइट्री है रियल पोइट्री है क्योंकि ये रियलिटी को ही एक्सप्रेस कर रही है मतलब जो लेट क्लासिज्मे वाले आपके हेलो पोइट थे ना वो ऐसी चीजें लिखते थे कि जो लिखने में अच्छी लगे जैसे बहुत हैवी हैवी वर्ड यूज कर देने है ना बहुत मेथड को यूज करके लिखना ऐसी लैंग्वेज लिखना जो आम लोगों को समझ ही नहीं आती तो उन्हें लगता था कि ये पढ़े लिखो वाली हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो ये अच्छी पोइट्री है ये कहते थे ऐसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं आप आम लोगों की लैंग्वेज यूज करो ना क्योंकि आम लोगों को इसे पढ़ना है तो ये ऐसी यूज़ कर रहे थे, लेकिन ही तो ये बताना चाहते थे प्रीफेस में कि ऐसा कुछ भी नहीं है सिंस इट वॉज इज आइडिया कॉलरेज वॉज सपोज टू राइट दी प्रीफेस बट ही इट उन्होंने कहा वर्ड्स वर्थ को कि तुम लिख दो कोई दिक्कत नहीं अभी बाद में क्या होता है आ, वैसे तो आप कह लो कि ये कोलेबोरेटिव एफर्ट था एफर्ट का मतलब होता है कि लिरिकल बैलेड्स वर्ड्स वर्थ और कॉलरेज कौल, दोनों ने मिलकर लिखी ना ये बुक लिरिकल बैलेट्स तो जाहिर सी बात है कि प्रीफेस भी दोनों को मिलके लिखना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ प्रीफेस सिर्फ वर्ड्स वर्थ ने लिख दिया और कहा जाता है कि कॉलरेज ने बाद में अपना डिसएग्रीमेंट भी वहां पे प्रेजेंट किया

तो ऐसे भी आ जाते हैं ऐसे में पहली चीज आपने याद रखनी है ऑर्डिनरी तो प्रीफेस में पहला क्या पॉइंट हो गया जो आपने अपने नोट्स में लिखना है ऑर्डिनरी इस वर्ड से कई सारी चीजें आपको समझ आएंगी तो इन द प्री फेस वर्ड्स वर्थ डिस्क्राइब्स हिस्सा टू ब्रेक अवे फ्रॉम दी ओवर डेकोरेटेड स्टाइल ऑफ एटींथ सेंचुरी पोइट्री एंड क्रिएट अ अम्प्रीहेंसीबल आर्ट फॉर्म फॉर ऑर्डिनरी मैन तो अभी ये दो चीजें हम हाईलाइट कर देंगे और इसी से समझेंगे तो पहली तो पहली चीज़ आप ये 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 समझो कि ये कहा में ये लिखा कि उन्होंने में लिखा यार देखो जो हमने पोइट्री लिखी थी ना हमारा पहला पर्पज तो ये था कि जो ओवर डेकोरेटेड स्टाइल है मतलब जो मेथड राइम मीटर इन्होंने सेट करके रखा है मैं आपको फॉर एन एग्जाम्पल बता रहा हूं कि एक लाइन में सिर्फ चार ही वर्ड होंगे दूसरी लाइन में तीन वर्ड होंगे फिर चार फिर तीन वो कह रहे हैं कि इस तरीके से जो भी आपने स्टाइल बना के रखे है ना वो मुझे पसंद है ठीक है क्योंकि हम पोइम किसके लिए लिखते हैं ऑर्डिनरी मैन के लिए यानी कि आम इंसान के लिए तो कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए आम इंसानों की लैंग्वेज होनी चाहिए तो पहली चीज तो ये थी ऑर्डिनरी मैन की जो ओवर डेकोरेटेड है ओवर डेकोरेशन है उसे स्टाइल को खत्म करो ऑर्डिनरी मैन के लिए ऑर्डिनरी तरीके से पोइम लिखो ऑर्डिनरी वाला ही अभी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं इंसटेड वर्डस्वर्थ वांट्स टू एम्फेसाइज एंड अडॉप्ट द लैंग्वेज ऑफ मैन ऑर्डिनरी बताया ना ऑर्डिनरी मैन की लैंग्वेज आपकी और मेरी जो लैंग्वेज है उसे यूज करो व्हिच रिजेक्ट्स पर्सोनिफिकेशन एज अ मैकेनिकल डिवाइस ऑफ स्टाइल और एज अ फैमिली लैंग्वेज व्हिच राइटर्स इन मीटर सीम टू ले क्लेम टू बी प्रिस्क्रिप्शन बाय प्रिस्क्रिप्शन वो कह रहे हैं कि देखो क्या होता था कि ना जो जब भी कोई पोइट्री लिखता था तो वो क्रिटिक्स की बुक्स पहले पढ़ता था और क्रिटिक बताते थे कि एक मीटर है एक मीटर है राइम करने का एक स्टाइल है मीटर है राइम करने का एक स्टाइल है यानी कि पोइट्री लिखने का एक स्टाइल है यानी कि एक प्रिस्क्रिप्शन पहले से गिवन थी कि ये मेथड है पोइट्री लिखने का आप ऐसे लिखो अगर अच्छी पोइट्री लिखनी ये इन सारी चीजों से अपने आप को ब्रेक अवे करते हैं कि मुझे ये सारी चीजों में नहीं पढ़ना ऐसा कोई भी मैकेनिकल डिवाइस या मैकेनिकल तरीका मुझे पोइट्री लिखने के लिए यूज करना ही नहीं है ऑर्डिनरी वाला वर्ड पकड़ के रखना ये कहते हैं द ऑर्डिनरी मैन ठीक है इज क्लोजर टू नेचर वो कह रहे आम इंसान नेचर के ज्यादा पास में होता प्रकृति के आप भी सोच के देखो ना कि आम इंसान ही प्रकृति से ज्यादा जुड़े होते हैं जो बहुत अमीर हैं जो बहुत पढ़ लिख जाते हैं वो थोड़ा सा प्रकृति से दूर हो जाते हैं एंड देयरफॉर क्लोजर टू ह्यूमन नेचर और आम इंसान ही मानव प्रकृति के ह्यूमन नेचर के भी पास में है तो हमें किसके लिए पोइट्री लिखनी है आम इंसान के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है आम इंसान की ऑर्डिनरी मैन की ऑर्डिनरी मैन की लैंग्वेज क्यों यूज करनी है क्योंकि ऑर्डिनरी मैन ही तो नेचर के ज्यादा पास में है टू सक्सीड इन डायरेक्टिंग पोइट्री टू सिग्निफिकेंस ऑफ लैंग्वेज इन हिज पोइट्री एज वेल एज इफेक्ट्स ऑफ दोइ्री ऑन द रीडर ये आगे जाके चीज आएगी अभी ये कोटेशन आप लोग लिख लेना अगर आप ये एग्जामिनेशन में लिख दोगे ना याद करके सबसे ऊपर ही चाहे इसे लिख देना जो भी मैंने ये ब्लू किया तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे ठीक है मैं आपको पढ़ के बेस्ट सब्जेक्ट ऑफ पोइट्री और अभी पहली चीज उन्होंने क्या कह दी ऑर्डिनरी वर्ड याद रखना ऑर्डिनरी लैंग्वेज ऑर्डिनरी मैन और ऑर्डिनरी लाइफ ठीक है पहली बात तो आपकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए पोइट्री में ऑर्डिनरी ठीक है और आपको आप कह लीजिए कि, किस तरीके इसके लोगों के लिए आपको लिखना है जो ऑर्डिनरी लाइफ है वो बेस्ट सब्जेक्ट है पोइट्री के लिए आप पोइट्री लिखने बैठे हो ना तो ऑर्डिनरी लाइफ के ऊपर पोइट्री लिखो ये मत लिखो कि बहुत बड़ा कोई हीरो था कोई बहुत बड़ा विलन था नहीं आम इंसान के ऊपर पोइट्री लिखो वो कहते हैं एवरी डे लैंग्वेज इज बेस्ट सुटेड फॉर पोइट्री पोइट्री लिखनी है तो डेली लाइफ की लैंग्वेज यूज करो एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग इज मोर देन एक्शन और वो कह रहे हैं कि कि आपका जो एक्सप्रेशन है ना कि आप लाइफ को कैसे एक्सप्रेस करते हो पोइट्री में वो जरूरी होता है वो लिखते हैं कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो स्पॉन्टेनियस होता है कि जिसमें आप कुछ आप कह लीजिए कि तोड़ मड़ोर नहीं करते आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं होता नेचुरली स्पोन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ

अभी प्री फेज में आगे लिखते हैं अभी इसके ऊपर आप टाइटल लिख देना कि लिरिकल बैलेड आप लिख देना वो ऑज एन एक्सपेरिमेंट ठीक है ये टाइटल लिख देना पहले आपने ऑर्डिनरी लिखा होगा ना पेपर में भी पहले ऑर्डिनरी लिख देना फिर ऑर्डिनरी मैन फिर ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिर सब्जेक्ट में लिख देना ऑर्डिनरी लाइफ ठीक है उसके बाद अभी दूसरा टाइटल आप लिख सकते हो कि आ, लिरिकल बैलेड्स वो एन एक्सपेरिमेंट उसके बाद आप लिखना तो ये जो लिरिकल बैलेड वाली बुक लिखी इन्होंने पोएट्री एक एक्सपेरिमेंट एक की तरह थी क्यों क्योंकि ये जानना चाहते थे टू नो अबाउट रिएक्शन ऑफ ऑडियंस ये कहते थे कि नए तरीके की पोएट्री को लोग कैसे रिएक्ट करते हैं हमें ये देखना है ये के एक तरीके का इनका एक्सपेरिमेंट था ही वांटेड टू टेस्ट हाउ ऑडियंस रिएक्ट व्हेन अ पोएट डिस्क्राइब्स हिज इमोशन थ्रू पोएट्री वो कह रहे हैं कि जब कोई ना पोएट कोई मीटर का यूज ना करे कोई राइम का यूज ना करे कोई स्ट्रक्चर का यूज ना करे डायरेक्टली बस अपने इमोशन आपके सामने रख दे ऐसा ना हो कि कभी लाइन में तीन वर्ड यूज कर रहा है कभी चार कभी राइम हो रहा है कभी नहीं राइम हो रहा बस अपनी खुली बात वो रख रहा है ऐसी पोइट्री है तो लोग कैसे इसे लोग कैसे इसे रिएक्ट करते वो जानना चाहते थे तो और लोगों ने अच्छे से रिएक्ट किया वो यूज ऑफ रियल कॉमन एंड रो लैंग्वेज इन पोएट्री और वो देखना चाहते थे एक्सपेरिमेंट में क्या क्या लिखोगे मैं आपको बता देता हूँ लिरिकल बैलेट वॉज एन एक्सपेरिमेंट ये ऊपर लिख देना और फिर पहला पॉइंट लिख देना टू नो अबाउट द रिएक्शन ऑफ ऑडियंस और दूसरा पॉइंट लिख देना वेन आउथर डिस्क्राइब हिज इमोशंस ठीक है दूसरा नंबर तीसरा नंबर लिख देना यूज ऑफ रियल लैंग्वेज यूज ऑफ कॉमन लैंग्वेज ये चीज या फिर यूज ऑफ रो लैंग्वेज ठीक ये चीज है अभी वो पीरियड कौन सा था लेट क्लासिकल पीरियड ये मैंने आपको बता दिया ना लेट क्लासिकल पीरियड और इनकी बुक से आप कह लो रोमांटिसिज्म फिर एरा शुरू हो जाता है पीपल लाइक दी वर्क एक्सपेरिमेंटल सक्सेसफुल है ना और लोगों ने इनके काम को इनकी बुक को पसंद किया यानी कि इनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया सही साबित हो गया और ये मैंने आपको वैसे पहले भी बताया है पर्पस ऑफ प्रीफेस

आम इंसान तो समझ ही नहीं सकता बल्कि पढ़े लिखे इंसान को भी नहीं समझ आते कि ये पोइट्री में कहना क्या चाहते हैं एंड रिप्रेजेंट्स लाइफ ऑफ अ क्लास ऑफ पीपल ओनली और ये कहते थे कि इनकी पोइट्री में बस एक ही क्लास सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए पोइट्री है उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं ये पोइट्री में हम लोगों की बात नहीं करते एंड इट इज हार्श एंड इन टोन ऑफ हेट्रेड और वो कहते हैं ये सारी चीजें लिख लैंग्वेज वाले पार्ट में कि इनकी लैंग्वेज कैसी होती थी हार्श हेटरेड कि लोगों को एक तरीके से प्रताड़ित करना लोगों के बारे में बुरी अपनी हेट को आप कह लो पोइट्री में लिखना लोगों के लिए ठीक है इस तरीके से दे फील ऑनर टू राइट राइट सच टाइप ऑफ पोइट्री बट दे आर अनेबल टू कनेक्ट टू मास वो कह रहे थे कि लेट क्लासिकल वाले ये सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छी पोइट्री लिखी ये वो सारी चीज है ये कहना है कि ठीक है अच्छी पोइट्री होगी लेकिन कोई इंसान समझता तो है नहीं आपकी पोइट्री जितनी मर्जी अच्छी हो उसका फायदा क्या वो पोइट्री क्या होती सिर्फ वही इंसान पढ़ता था जो लिखता था या वो क्रिटिक का जो ग्रुप था वही दीज आर सेल्फ सर्विंग पोइट ये कहते हैं कि सेल्फ सर्विंग पोइट है सेल्फ सर्विंग पोइट का मतलब क्या खुद ही पोइट्री लिख रहे हैं खुद ही पढ़ रहे हैं दे आर नॉट राइटिंग सीरियस पोइट्री और वो कह रहे हैं कि पोइट्री के बारे में सीरियस नहीं है ये बस अपने लिए अपने मन को खुश करने के लिए पोइट्री लिख बड़े बड़े शब्द यूज करते हैं वर्ड्स कर, कहते हैं हैं आई प्राउड ऑफ पोएट्री ये कह रहे हैं कि मुझे तो प्राउड है भाई अपनी पोएट्री पे बिकॉज इट इज ऑफ सम क्योंकि इसका कोई पर्पस है ये जो सेल्फ सर्विंग वाली बात बताई ना इन्होंने की लेट क्लासिकल वाले सेल्फ सर्विंग की बात करते हैं सिर्फ अपने लिए पोइट्री लिखते हैं ये कह रहे हैं कि जो मेरी पोइट्री है उसका कोई पर्पज है और पर्पज क्या कि आम लोगों तक वो बात पहुंचे माय पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो चीज नेचुरली हो वी शुड एक्सप्रेस आर फीलिंग्स आफ्टर थिंकिंग डीपली अबाउट दिस सब्जेक्ट अभी यहाँ पे अपने ये चीज भी जरूर लिख देनी है यहाँ पे ना आप लिख सकते हो एक टाइटल मैं आपको बता देता हूँ लिख सकते हो आप यहाँ पे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि पोइट्री ठीक है पोइट्री यहां पे आप लिख देना ठीक है इम्पैक्ट ऑफ आइडियाज एंड इमोशंस ऑन पोइट्री ये चीज लिख देना और उस, उसके आगे अभी ये लिखना वो कहते हैं कि वी शुड एक्सप्रेस आर फीलिंग्स आफ्टर थिंकिंग डीपली अबाउट दिस सब्जेक्ट वो कह रहे हैं कि आपने कुछ फील किया ये भी लिख सकते हो आप हाउ टू राइट पोएट्री दोनों में से कोई चीज लिख सकते हो पहले लिख देना हाउ टू राइट पोएट्री फिर इम्पैक्ट ऑफ आइडियाज एंड इमोशन ऑन पोइट्री ये दोनों चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो ये कहते हैं कि आपने आपके मन में कोई आइडिया आया पहले इमोशन आया वो कह रहे हैं कि मान लो आपने देखा कि सामने एक गरीब बच्चा है जो आप कह लीजिए कि अलग अलग घर में जा रहा है खाना मांग रहा है एक गरीब बच्चा अलग अलग घर में जा रहा है खाना मांग रहा है आपने देखा तो उसको देख के आपके मन में क्या इमोशन आया? आपने पिटी फील किया आपके मन में तरस तरस आया ना तरस आया पिटी फील किया ये इमोशन आपके अंदर है वो कह रहे कि इमोशन आपके अंदर आ गया बस अभी पोइट्री लिखना मत स्टार्ट कर दो नहीं वो कह रहे हैं कि इसे होल्ड करो अभी पोइट्री लिखने की कोई जरूरत नहीं इसे होल्ड करो इमोशन आ गया ना अभी फीलिंग आ गई ठीक है अभी रोको इसे वो कह रहे हैं कि उसके बाद अपने आइडियाज थॉट्स थिंकिंग डीपली इसे सोचो अभी डीपली कैसे सोचेंगे आपके मन में तो है ना कि वो इंसान वो बच्चा बेचारा मांग रहा है घर घर से खाना मांग रहा है कुछ भी मांग रहा है तो आपने पोइट्री लिख दी कि बच्चा मांग रहा है घर गर से गरीब है घर गर से कुछ भी वो कह रहे हैं कि यहाँ ना आप सोचो कि वो बच्चा गरीब क्यों है क्यों गरीब है क्या सरकार का कोई दोष है क्या सोसाइटी का कोई प्रॉब्लम है क्या सोसाइटी सब कुछ कर रही है गवर्नमेंट नहीं कर रही या फिर वो बच्चा जानबूझ के कर रहा है रीजन क्या है वो कह रहे हैं कि अभी इसके बारे में अच्छे से सोचो अब सोच लिया अच्छे से उसके बाद पोइट्री लिखो ये है इमोशन प्लस थिंकिंग वो कह रहे हैं पोर्ट शुड नॉट ओनली बी इमोशनल सिर्फ इमोशनल नहीं होना इंटेलिजेंट भी होना है He should use his thoughts also. अपने विचार भी बीच में डालने हैं और ये कहते हैं कि मेरा यही पोएट्री वो कह रहे हैं है को दोनों को मिला के मैं पोएट्री लिखू इन माई पोएट्री ये वर्ड्स वर्थ कह रहे हैं सारी चीजें इन इन माई पोएट्री आई ट्राइज टू गिव सॉरी इन माई पोएट्री यहाँ पे आई होगा और ट्राई होगा I try to give emotions to actions यहाँ पे आए है इन की जगह आई है आई ट्राई टू गिशंस टू एक्शन एंड सिचुएशन नोट टू गिव सिचुएशन एंड इमोशंस to emotions or feelings अभी इसको मैं आपको अच्छे समझाता हूँ इसका meaning क्या है वो कहते हैं कि जब मैं poetry लिखता हूँ तो मेरा purpose ये होता है तो मेरा purpose ये होता है कि मेरे सामने मान लो कोई action या situation बनी है ठीक है वो कहते हैं कि जब मैं पोइट्री लिखता हूँ तो मैं कैसे लिखता हूँ तो वो कहते हैं कि मान लो मेरे सामने कोई एक्शन हुआ है कुछ ऐसे या कुछ एक्शन हुआ है कि किसी फादर ने अपने बेटे को मारा है ये वहां पे एक्शन हुआ है ना वो कहते हैं कि मेरा पर्पस ये होता है कि कोई सामने एक्शन हुआ है सामने कोई सिचुएशन बन रही है तो तो उसे उसे मैं कुछ इमोशंस दूं अभी यार वो क्या सोच रहा होगा वो क्या सोच रहा होगा समझ रहे हो ना वो कह रहे हैं कि सामने कोई एक्शन हुआ सिचुएशन बनी यानी कि एक फादर अपने बच्चे को मार रहा है मान लो ड्रिंक करने के बाद वो अपने बच्चे को मार रहा है ऐसा कोई एक्शन हो रहा है ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है कि बच्चा कुछ मांग रहा है तो एक्शन वो सिचुएशन बन रही है वो कह रहा है कि पोइट्री में ये होना चाहिए और मैं ये करता हूँ कि ऐसा कुछ एक्शन या सिचुएशन बनी तो उसे फिर मैं इमोशंस दू

यहाँ पे क्या है यहाँ पे एक्शन है सिचुएशन एंड एक्शंस टू इमोशंस और फीलिंग वो कह रहे हैं हैं कि ज्यादातर पता क्या करते उनके मन में कोई फील है, है तो बैठा बैठा ना उसे आप कह लो डिप्रेस फील कर रहा है थोड़ा दुखी फील कर रहा है तो दुखी फील कर रहा है तो पोइट्री लिखने के लिए मान लो वो दुखी है तो पोइट्री लिखने के लिए वो सोचेगा यार अच्छा मैं दुखी हूँ तो अपने आप से कोई सिचुएशन बना लेगा यार अच्छा ठीक है दुखी पोइट्री लिखनी है तो यार एक बच्चा जा रहा था वो बहुत दुखी था मतलब ऐसे खुद से सिचुएशन बना लेगा वो कह रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए बल्कि सामने जो एक्शन और सिचुएशन हो रही है उसके पीछे क्या इमोशन है ये ढूंढने की कोशिश करो ठीक है समझ के दोबारा बता देता हूँ सामने जो एक्शन हो रहा है सिचुएशन बन रही है वो इंसान क्या सोच रहे होंगे जो एक्शन कर रहे हैं उनके इमोशंस को लिखो ये लिखना चाहिए बल्कि वो कह रहे हैं कि बल्कि करते क्या है जो कि गलत है वो ये है कि उनके मन में कोई इमोशन आया उसे सिचुएशन देना शुरू कर देते ठीक। और इनकी दो और ये इसी तरीके के एग्जाम्पल है आगे वर्ड्स बर्थ लिखते हैं कि सम फ्रेजेस आर यूज्ड एज मैनी टाइम्स दैट दे वो कह रहे हैं कि ये जो क्लासिकल्स हैं इन्होंने कुछ मेथड बना के रखे हैं कुछ फ्रेजेस लाइने बना के रखी हैं जो एज इट इज ये बार बार यूज करते हैं क्योंकि ये मानते हैं कि बेस्ट तरीका है बेस्ट लाइन है वो कह रहे हैं ये चीजें गलत है इन्होंने ये फ्रेजेस इतने बार यूज कर लिए कि इनका अभी मीनिंग भी कोई नहीं रह गया है ठीक है वो लिखते हैं कि सम क्रिटिक्स रिजेक्टेड सम वर्क्स ओनली फॉर देयर लैंग्वेज लैंग्वेज की बात ही बार बार करते हैं ये कहते हैं कि कुछ क्रिटिक सिर्फ कुछ बुक्स को पोइट्री को इसीलिए रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये कहते हैं कि उनकी लैंग्वेज सही नहीं है आपने देखा है ना पहले बल्कि ये तो कहते हैं कि आम व्यक्ति की लैंग्वेज यूज करो कोई बुकिश लैंग्वेज ज्यादा नहीं यूज करो लिखते हैं कि पोइट्री एंड प्रोज आर रिलेटेड टू ईच अदर दे आर सेम वो कह रहे हैं कि पोइट्री और प्रोज दोनों सेम है एक दूसरे है एक दूसरे के जैसे है बहुत अलग नहीं है ठीक है अगर पोइट्री में राइम बनी नहीं बनी कोई दिक्कत नहीं बात कह दी ना आपने वो सही है बस वो यही कहते हैं कि चाहे पोइट्री लिखो चाहे प्रोज लिखो चाहे पोइट्री में राइम हो ना हो ठीक है प्रोज में भी कहीं राइम हो जाए तो वो भी सही है वो कह रहे हैं पोइट्री और प्रोज दोनों एक तरीके की चीजें हैं क्युं? क्यों क्योंकि दोनों का पर्पस एक ही है कि, कि अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करो जहां तक पोइट्री लिखी गई पोइट्री लिखो अगर बीच में से पैराग्राफ डाल देना है इमोशन में पोइट्री नहीं बन रही तो पैराग्राफ डाल दो कोई दिक्कत नहीं राइम एंड मीटर्स आर टू जस्ट मेक अ ब्यूटीफुल वो कह रहे हैं राइम्स और मीटर का काम ये है कि पोएम को ब्यूटीफुल बनाना लेकिन ये नहीं है कि अगर राइम ना बनी मीटर ना बने तो पोइट्री नहीं है नहीं ये चीज बट इट डज नॉट डू जस्टिस टू रीडर्स वो कह रहे हैं कि राइम का मतलब और मीटर का मतलब ये होता है कि पोइट्री को अच्छा बनाए लेकिन वो कह रहे हैं कि कई बार आप ऐसी राइमिंग कर देते हो कि जो रीडर है पढ़ने वाला है उसको मीनिंग ही नहीं समझ आता पढ़ी होगी ना आपने ऐसी पोइट्स भी पोइम भी कि क्या हुआ कि पोइम बहुत अच्छी है राइम करने के चक्कर में पोइट्री ऐसे लिख कि आपको अभी मीनिंग ही नहीं समझ आ रहा ये वो कहते हैं वो कह रहे हैं कि पोइट्री क्या है एक सिंपल चीज है अपने आइडिया को प्रेजेंट करना लेकिन राइम और मीटर का यही काम है कि पोइट्री को सिंपल बनाए कि आपको याद रहे समझ आए लेकिन इसी को यूज करके वो इसे कॉम्प्लेक्स बना देते हैं जो कि गलत है लास्ट में है द एम एंड फंक्शन ऑफ पोइट्री वो लिखते हैं द पर्पज ऑफ पोएट्री इज टू कन्वे प्लेजर यानी कि लोग पढ़ के खुश होना चाहिए ऐसी पोइट्री आप लिखो ऐसी नहीं लिखो कि लोगों को समझ ही ना आए सो so, ये था प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स आई होप आपको समझ आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो अच्छी लगी हो जरूर लाइक करना अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा अभी हम थर्ड यूनिट का टॉपिक कर, कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय